एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ह्यूज नायका हॉल। हियर इज ह्यूज मेकअप हॉल। दिस इज अ मेकअप एंड स्किन केयर एंड हेयर केयर हॉल। सो इतने सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो ये वीडियो होगी बहुत ही लंबी, आपको आराम से ये वीडियो देखना है और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा स्टफ, बहुत सारी मैंने शॉपिंग की है। नेक्स्ट पार्ट टू भी आएगा नायका मेकअप ह्यूज हॉल का। तो बस मैंने ये लिया है फेसेस कनाडा का अल्ट्राइन प्रो मेकअप फिक्सर। इसको ट्राई करके देखूँगी कुछ ऐसा कैन सी। और इसका जो टेक्स्चर है वो भी बहुत ही, और इसकी स्मेल उतनी कुछ खास नहीं है, बट ये बहुत मैट कर रहा है, जल्द से जल्द सूख गया है। ओके गाइस, तो ये आता है 100 ml का, तो ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी का है एंड बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है। इसका प्राइस है 649। तो सेकंड प्रोडक्ट है वाओ स्किन साइंस ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। आई मस्ट से दिस प्रोडक्ट इज ऑसम एंड इट वर्क्स रियली वेल एंड इट इज़ वेरी नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके हेयर्स को बहुत ही अच्छा है। मेरा बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने इसको शिफ्ट किया, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि रूही गो विथ दिस, जस्ट अमेजिंग ऑन टू योर स्कैल्प। क्योंकि ये जब आपकी स्कैल्प में जाता है और सारे क्लॉक्ड पोर्स को अनक्लॉक कर देता है, वो आपके जड़ में अच्छे से जाता है। इसमें है, इसमें अच्छी बात क्या है कि ये नो मिनरल्स ऑयल सिलिकॉन सिंथेटिक की कुछ भी इसमें प्रोडक्ट्स नहीं है। एंड इसमें है ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल विथ आलमंड कैस्टर ऑयल जोजोबा ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हैं एंड ये आपके हेयर्स को बहुत ही, आपको क्या करना है, इसको लगाकर सो जाना है, इसके बाद सुबह में उठकर आपको हेयर वॉश करना है। ये कुछ ऐसा है पैकेजिंग में, इसको ऐसे ओपन करना है। एंड सीरियसली आई रियली लाइक दिस बॉटल। एंड ये कुछ होगा कितना ml है, ओके सो ये 200 ml है एंड ये बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है, कैन सी दिस। एंड इसकी क्वांटिटी भी अच्छी है, ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी है ये प्रोडक्ट में। इसको पंप भी है, यू कैन पंप इट आउट एंड एक्चुअली आई कांट यूज़ इट बिकॉज अभी मैंने रेडी हो गया है। एंड ओके सो इसको अच्छे से पंप भी है ताकि आप अपने रूट्स में पंप करके इसको अच्छे से लाइक ड्रॉप्स डाल के, एक एक ड्रॉप आएगा ये, तो आप इसको एक एक ड्रॉप डाल के अच्छे से लाइक यू नो मसाज कर पाओगे। तो इसका प्राइस है 599। ये आपको आराम से डिस्काउंट में मिल जाएगा 500 में कुछ। ऑल राइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माई फेवरेट नायका आई लैशेज। दिस इज 199 rupees एंड इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है एंड इसकी वॉल्यूम लेंथ इंटेंसिटी ऑफ लैशेज इज वेरी ऑसम। इसकी पैकेजिंग इज वेरी 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 नाइस, आई रियली लाइक इट। कम्स विद अ स्मॉल ग्लू, उन लोगों ने इसको स्मॉल ग्लू भी दिया है, स्मॉल सा ग्लू है इसमें अलैश के लिए, शायद ये वन टाइम टू टू थ्री टाइम्स के लिए आ जाएगा। इट्स जस्ट ऑसम गाइस। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाके वहाँ से ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। मुझे फिटमे का कॉम्पैक्ट चाहिए था, सो मैंने मेबलिन फिटमे का ये कॉम्पैक्ट लिया है एंड दिस इज इन शेड 118 लाइट पीच एंड दिस इज SPF 28। एंड ये आप आराम से बाहर भी लगा कर जा सकते हो। 12 hours ऑयल कंट्रोल है, ऐसे आपको ब्लैक कलर में फिट में करके आता है मेबलिन का। एंड यहाँ पे आप जब ओपन करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। एंड ये स्किन टोन मेरे स्किन टोन से बहुत ही अच्छा मैच हो रही है, क्योंकि मेरा स्किन टोन कुछ ऐसे शेड में है। इसका प्राइस है 199। एंड नेक्स्ट इज दिस वन लैक्मे 925 प्राइमर प्लस मैटिव परफेक्ट कवर फाउंडेशन एंड दिस इज अ वेरी बजट फ्रेंडली, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है, मुझे स्टूडियो जाना होता है, तो ये वाला मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है, इसलिए मैंने ये लाइक कैशुअल डेज के लिए लिया है। अब जो शेड है ये करेक्ट मेरे स्किन टोन पे जा रहा है, कैन सी दिस,
मेरे स्किन में बहुत ही अच्छा जाता है क्योंकि मेरी स्किन टोन भी है येलो. सो ये लैक्मे का शेड है W160 वार्म सैंड. दिस इज़ वेरी ऑसम फाउंडेशन एंड इसका प्राइस है 475. राइट, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिया है नायका स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन. फाउंडेशन बहुत ही अच्छी होगी और ये बहुत ही अच्छा होगा. बट बाय द वे दिस इज़ वेरी नाइस एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी गाइस, बहुत ही स्मॉल, इतना ही. इसका इतना भी ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है बट वेरी मैक्सिमम और अच्छा कवरेज है. ये बहुत ही हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है गाइस, ये बहुत वेटलेस इन टेक्सचर है नायका का. अभी आप अपने स्किन को इवन कर सकते हो. सो दिस इज़ वेरी ऑसम बट प्राइस थोड़ा सा हाई है. अनफॉर्चुनेटली मेरा शेड गलत आ गया है. तो मैंने लिया है NYX का ये HD प्रोफेशनल फोटोजेनिक स्टूडियो कंसीलर करेक्टर इन द शेड CW03. कुछ अलग स्किन टोन का बट ये मुझे बहुत ही पिंकी स्टोन में मिला है. यू कैन सी ये बहुत पिंक टोन में है. अंडर आइज के लिए अच्छा जा रहा है क्योंकि मेरे अंडर आइज थोड़े से डल है, थोड़े से पिगमेंटेशन ज़्यादा है मेरे अंडर आइज में, डार्क सर्कल्स ज़्यादा है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था. बट अगर मैं यूज़ करूँ, अच्छा करेक्टर यूज़ करूँ तो ये दिस इज़ ऑसम, इट गोस ऑसम ऑन माय फेस. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नायका प्रेप मी अप फेस प्राइमर टोन एंड स्मूथ एंड परफेक्ट. सो दिस इज 30 ग्राम. इसका प्राइस है 499. आई शो यू द प्रोडक्ट. एज यू कैन सी इट्स वेरी वेरी लाइट टेक्सचर गाइस. फेस पे लगाओगे तो ये बहुत ही स्मूथ, इतना ज़्यादा स्मूथ है ना कि आपकी स्किन एकदम बहुत ही ब्लर एंड बहुत ही अच्छी हो जाएगी. सो दिस इज वेरी नाइस प्राइमर. ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है प्राइमर. यहाँ पे मैंने दो लिए थे प्राइमर्स. सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट ले रही हूँ इनसाइट मेकअप एसेंशियल प्राइमर 3-in-1 प्राइमर प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज लॉन्ग लास्टिंग ऑयल फ्री. सो यहाँ पे 3-in-1 प्राइमर है. सो आपका फेस को प्राइम भी हो जाएगा, आपके फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा और आपके स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा. इसका प्राइस है 240. गिव्स 24 आवर्स लास्टिंग विथ सैटिन फिनिश. ये भी वैसे ही है आई थिंक. सो हाँ, इसका भी फिनिशिंग वैसे ही है जैसा नायका का था बट इसमें 3-in-1 एक्स्ट्रा है एंड ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है सेम सिलिकॉन बेस के जैसे ही है. इट्स वर्क्स वेरी वेल. दिस माय फेवरेट प्रोडक्ट. ऑलरेडी मैंने कल पैकेजिंग में ये सब कुछ खोल दिया था एंड मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ इसे यूज़ करना. सो यहाँ पे मैंने लिया है नायका नेचुरल स्किन पोशन एंटी पिगमेंटेशन फेशियल ऑयल. पूरे यहाँ पे है डल एंड ड्राई स्किन, यहाँ पे है एंटी पिगमेंटेशन जो मेरा है एंड मेरा वाला है एंड यहाँ पे सुपर फूड ऑयल, यहाँ पे है रेडियंस ब्यूटी फेशियल ऑयल, यहाँ पे एंटी एजिंग. ये आपको बहुत सारे टाइप्स के मिल जाएंगे. अगर आपको एक्ने से प्रॉब्लम है आपको एक्ने वाला मिल जाएगा, आपको ओवरनाइट फेशियल रिपेयर करना है वो आपको ऑयल मिल जाएगा, आपको ग्लो बूस्ट करना है अपने फेस पे वो आपको मिल जाएगा, आप का स्किन टाइप का आपको मिल जाएगा. तो मुझे यहाँ पे मेरे फेस पे एक ही कॉन्सेंट्रेट करना था. मेरे फेस पे ना ही एक्ने है ना ही कुछ प्रॉब्लम है बट मेरे फेस पे पिगमेंटेशन है जो मैं रिड्यूस करना चाह रही हूँ एंड मैं पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करी थी बट वो वर्कआउट नहीं हुआ. सो आई यूज़ दिस वन एंड मैंने कल रात से ही स्टार्ट किया था. आफ्टर यूजिंग इट मैं इतना जल्दी बोल नहीं सकती कि ये मेरे पे कैसा वर्क करेगा बट हाँ, इतना है कि ये मेरे फेस को बहुत ही ग्लो दे रहा है, मेरे फेस को बहुत ही रेडिएंट लुक दे रहा है. एक तरह से जैसा मैं डल लगता था मेरा फेस वैसा डल नहीं लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और धीरे धीरे करके मेरा जो भी पिगमेंटेशन है वो भी चले जाएगा. उसके बाद जो मेरा पिगमेंटेशन लेवल था वो कम हो रहा है लगे थे बट अभी ये आने के ये यूज़ करने के बाद में मुझे एक 7 डेज के बाद पता चलेगा रिजल्ट कि ये कैसा है एंड ऑटोमेटिकली आपको वीडियोस में दिख जाएगा उसका रिजल्ट. इसमें है कोकोनट ऑयल, जोजुबा ऑयल, रेप सीड ऑयल, रोजहिप ऑयल, ऑलिव ऑयल, लेमन ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, अरे पपाया ऑयल, इसमें ग्रैनियम ऑयल है एंड इसमें कैरेट सीड ऑयल है. सारे ऑयल्स इसमें प्रोवाइड है गाइस. तो ये आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है. इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है एंड आई शो यू कि इसका ये बॉटल बहुत ही ज़्यादा फिल होकर आती है तो आपको इसका देखकर
जब आप ये लगाते हो तो ऑयल बाहर आने का चांसेस होते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ और मेरा ऑयल बाहर आके गिरा है, तो ऑलमोस्ट तो आपको देख कर करना है। सो ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, मैं आपको मेरे स्किन केयर की रूटीन में मैं इसको आपको अप्लाई करके बताऊँगी। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू मिनी प्रोडक्ट। ऑसम गाइस, दिस इज़ वेरी 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 नेचुरल, वेरी वेरी नाइस है। एंड मैंने इसको 22 ml ही मंगाया था। आई मस्ट से इट्स वेरी कॉस्टली, अनबिलीवेबल। मैं यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं इसको स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको छोटी सी टाइनी सी बॉटल दिखा रही हूँ। इट्स अनबिलीवेबल, जब आपकी स्किन में जाता है तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं करने के बाद। सो आप ये 7 days के लिए ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहो तो इसमें बहुत सारे लाइक 65 ml भी होता है, फिर इसमें होता है सबसे बड़ी वाली बॉटल होती है 130 ml, तो मैंने 130 ml की ऑर्डर की है, वो अराउंड है 1400 एंड 65 ml वाली है अराउंड 799। सो मैंने सोचा कि डायरेक्ट मैं 1400 वाली मंगा लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड आई कांट रिफ्यूज माई सेल्फ टू बाय दिस वन। इस फेसेस कैनेडा का ये मस्कारा, ये वाला वॉल्यूम वाला मस्कारा है, वॉल्यूम नाइस मस्कारा है एंड ये है 399 का। इट्स आई मस्ट ट्राई दिस वन, आई ट्राई इट ऑन अनदर लाइक जब ये दूसरे वीडियोस आएंगे उसमें मैं ये ट्राई करके बताऊंगी आपको। सो नेक्स्ट इज दिस नायका गेट चीकी ब्लश डुओ फॉर्मुलेटेड इन इटाली। ये शेड है मैलिबू बाबी 03। प्यारा ब्लश है गाइस, यू वोंट बिलीव। ये पैकेजिंग भी इतनी प्यारी है, इसके अंदर सेफली ये सब कुछ दिया है उन्होंने, बहुत ही अच्छा है। एंड यू कैन सी इट्स वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट एंड द शेड इज़ आल्सो वेरी नाइस। मैंने अब तक ट्राई नहीं किया है बट मैं आपको एक स्वैच करके दिखाती हूँ। कैन सी दिस इज़ अ वेरी न्यूड शेड, कैन गो विद दिस कलर एज वेल एज दिस पिंक शेड। ब्लेंड करने में जल्दी आसानी से ब्लेंड होता है। इसका प्राइस है 500। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज काया डर्मा नेचुरल ओरिजिनल लिप बाम। दिस इज वेरी ओरिजिनल, क्योंकि मेरे लिप्स को कुछ अच्छा सा हाइड्रेटिंग एंड ओरिजिनल लिप बाम चाहिए था। मुझे कलर वाले ऐसे लिप बाम्स बिल्कुल पसंद नहीं आते, आई डोंट नो व्हाई। दिस प्राइस इज 175। एंड नेक्स्ट इज दिस इज माई फेवरेट वन, लेमन लिप स्क्रब। सो ये होम मेड वाला है एंड दिस इज फ्रॉम एलेस्टा एंड दिस इज वेरी अमेजिंग गाइज, प्यारे प्यारे है ये प्रोडक्ट्स एंड दिस इज अ वेरी नेचुरल हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड रिमूविंग ऑल ओवर डेड स्किन सेल्स फ्रॉम द लिप एंड दिस इज वेरी अमेजिंग। इट्स वेरी, इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, मैं आपको बताती हूँ इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें है ग्रैनुलेटेड वाइट शुगर है एंड इसमें है हल्दी, शिया बटर, लेमन ऑयल, लेमन पाउडर, एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड विटामिन ई ऑयल। सो दिस इज वेरी अमेजिंग ऑन टू योर लिप्स, क्योंकि मेरे लिप्स थोड़े से डार्कन हो गए थे तो मैंने ये ऑर्डर किया। अगर आपके लिप्स भी डार्कन हैं तो यू कैन गो विद। आई एम लिटिल लेजी फॉर DIY, क्योंकि मुझे कभी कभी मैं आराम से एक्टिव होकर DIY कर लेती हूँ, तो मैं वैसे करती हूँ, तो मैंने उसके लिए ये बाय किया है। बट दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी नेचुरल एंड आपके लिप्स को हाइड्रेट एंड डेड स्किन सेल्स रिमूव करता है एंड मेनली आपके लिप्स से डार्कनेस को रिमूव करता है। सो आई वॉन्ट दिस वन एंड दिस इज मैंने ये एक ही मंगाया है गाइस। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस किस किस लवली लिप पैच। दिस इज फ्रॉम टोनी मोली एंड ये है चाइना का ब्रांड फिलहाल, बट दिस इज ये मैंने एक ही मंगाया है। इसका प्राइस है ये 150 में आपको एक ही मिलेगा, एक ही टाइम पे आप यूज कर सकते हो, सिर्फ एक ही टाइम आप यूज कर सकते हो 150 में। सो यहाँ पे मैं आपको स्किन केयर में ये इसका रिव्यू दिखाऊंगी, इसका सब कुछ दिखाऊंगी। ओके, स्किन केयर की अलग सी वीडियो सून आने वाली है। दिस इज लिप पैच एंड दिस इज लाइक लिप मार्क्स कह लो, तो ये लिप मार्क्स आपके लिप्स को स्मूथ, सॉफ्ट एंड पिंकिश बनाता है। आपको 20 minutes आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको रिमूव कर देना है, उसको मसाज करना है, अप्लाई करना है लिप बाम। सो रिमेनिंग 2 प्रोडक्ट्स है, ये है मॉन्टसप क्रिस्टल गोल्डन आई मास्क। सो ये वाला गोल्डन मास्क है, मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी। प्रोफेशनल O3+ एंड दिस इज अ वेरी ब्लैक बबल शीट मास्क, क्योंकि मुझे पहले से ही ट्राई करना था ये बबल शीट मास्क एंड सो दिस इज वेरी नाइस।
मैंने ऑर्डर कर लिया था. ओके सो ये है पावर ब्राइटनिंग बबल शीट मास्क फॉर्मुलेटेड इन इटाली बाई डर्मेटोलॉजिस्ट. ये ऑक्सीजनेटिंग है, ग्लो है, डीप क्लेंजिंग है और मेकअप रिमूवल है. सो आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वन, सो आई विल डू दिस, आई विल ट्राई एंड लेट यू नो. ये था प्रोडक्ट्स एंड होप यू लाइक दिस वीडियो. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लिटिल लॉन्ग वीडियो. एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू अनाउंस गिव अवे दैट इज फॉर 10K सब्सक्राइबर. इंशाल्लाह जब मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं 2 विनर्स एक्चुअली सेलेक्ट करूंगी एंड उनको प्राइज दूंगी. सून आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गिव अवे एंड एवरीथिंग डिटेल्स ऑन नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियो. जस्ट मैं अनाउंस करी थी कि मैं गिव अवे लेकर आने वाली हूँ एंड सून आई एम गोइंग टू एंड इट वीडियो. गाइस आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, लव एंड ऑल्सो कॉमेंट्स. यू नो जब आप मुझे कॉमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत हैप्पी फील होता है. सो गाइस डू शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो स्प्रेड लव एंड लव सो मच. बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.